गाइस अब हम धौली के पास आ चुके हैं बिल्कुल ही, ठीक है ना। वहाँ पे ऊपर धौली है, दिखा है, ये देखो वहाँ पे ऊपर धौली है, वो दिखन है। सो यहाँ द ग्रेट एम्परर अशोका कलिंग वार के बाद चंडाशोका से धर्माशोका में कन्वर्ट हुए थे। सो गाइस कलिंग युद्ध के दौरान दया नदी का पानी खून से लाल हो गया था, वह देखकर एम्परर अशोका ने युद्ध करना छोड़ दिया और बुद्धिज्म को फॉलो करने लगे, इसलिए उनका स्टैचू यहाँ पे है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख रहे हो द ग्रैंड पगोड़ा, और इस तरफ है हमारा दया नदी उस तरफ। देखिए मैं जूम करती हूँ, वहाँ पे है दया नदी, अब बह रहा है। सो गाइस वहाँ आगे एक मंदिर है, तो चलिए चलते हैं देखते हैं। ओके सो गाइस वहाँ पे मंदिर है, देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ वहाँ पे एक मंदिर है, तो चलिए उधर चलते हैं। सो गाइस यहाँ से व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए। सो गाइस यहाँ पे मैं मंदिर के पास पहुँच चुकी हूँ, तो चलिए ये देखिए यहाँ पे मंदिर है, बहुत बड़ा है। सो गाइस यहाँ पे देवी माँ जी है। सो गाइस यहाँ पे धवलेश्वर की मंदिर है। सो गाइस चलिए मैं आपको पूरा का पूरा मंदिर दिखाती हूँ, चलिए चलते हैं। ये देखिए गणेश जी यहाँ पे, और सामने भी है, ये देखिए इस तरफ भी है। सो गाइस यहाँ पे एक और मूर्ति है लॉर्ड बुद्ध का। सो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।